हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेसी फर्ग्यूसन 10-35 DI महाशक्ति। तो अभी हमें इस ट्रैक्टर में जो रिवर्सिबल पल्टी प्लाव आता है उसका स्विच फिटिंग करना है। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये बहुत आसान होता है दोस्तों, ये काम आप अपने आप खुद भी कर सकते हो घर पर। तो इसका जो हमने स्विच मंगाया है देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला इसका पूरा किट। तो ये कुछ इस तरह से इसका स्विच है और यहाँ पे इस पर जो ये लगा हुआ प्लेट है देख सकते हैं, इसको हमें निकालना होगा और इसकी जगह पे ये पूरा कनेक्शन इसको फिट करना है। तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान। तो इसको कैसे फिट करते हैं, पूरा फिटिंग कैसे होगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप ये वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ये कैसे फिटिंग होगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो मैं इसको अब अभी जल्दी से फिट कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसका ये हाइड्रोलिक पल्टी प्लाव का स्विच फिट कर लिया है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हो। देख सकते हैं पुराने को हमने निकाल दिया, जो ये रहा देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला हमने निकाला और इसी की जगह पे उसको फिट कर लिया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये पी, इसका मतलब ये प्रेशर है, और ये आर लिखा है यानी ये वापसी रिटर्न का है। तो ये हमने पूरा फिट कर लिया, इसका एयर वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऑयल निकला हुआ है तो हमने इसका एयर वगैरह निकाल लिया है। इसका पूरा कनेक्शन इस तरह से होता है, देख सकते हैं ये सिस्टम ऐसे ऑपरेट होगा इस तरह से। और इसमें एक चीज़ ये है दोस्तों, बाकी ट्रैक्टर में ये अलग तरह से काम करता है, लेकिन मेसी में क्या होता है, जैसे आपको प्लाव को पलटाना है तो जब हमने ये हाइड्रोलिक को उठाया और जब ये धीरे धीरे 1-2 फीट ज़मीन से उठ जाए, जब हाइड्रोलिक उठना शुरू करता है ना, उसी दौरान उसको हमें ऑपरेट करना होता है, तब जाके इसका ये ऑयल का प्रेशर बनेगा। अगर आपने इसको पूरा उठा लिया और ये लीवर को दबाओगे तो यहाँ पे प्रेशर नहीं आएगा। तो जब ये इस तरह से उठना शुरू हो जाता है ना, उसी दौरान हमें ये लीवर को दबाना होता है। जैसे आप ये लीवर को दबाओगे ये पट्टी रुक जाएगी, हाइड्रोलिक अपना काम करना रोक देगा और यहाँ पे प्रेशर दे देगा। जैसे आपने इसको छोड़ा फिर ये हाइड्रोलिक उठना शुरू हो जाएगा। यानी जब भी आपको प्लाव को पलटी करवाना है तो ये जब ऑपरेट सिस्टम में होगा ना तभी होगा, ऐसे नहीं होगा, है ना। तो चलो अब हम इसका जो प्लाव है उसके साथ में कनेक्ट करके हम आपको दिखाते हैं। और ये हमने जो पल्टी प्लाव है वो पहले मैनुअल था, हाथ से पलटाने वाला, वो पुराने को हमने नया जैक वगैरह नया स्विच लगा के पुराने को ही हमने हाइड्रोलिक प्लाव बनाया है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो हमारे दोस्त जिसका मैंने आपको आगे वीडियो दिखाया था सोनालिका का, उसी ट्रैक्टर का पल्टी प्लाव है जो हमने खुद बनाया, उसको मैनुअल में से हमने हाइड्रोलिक बनाया हुआ है। तो उसी प्लाव के साथ में हम इसको टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे। तो अभी इसको हम थोड़ा अच्छे से ये ऑयल वगैरह वॉश कर लेते हैं और फिर मैं हाइड्रोलिक को ट्रैक्टर के साथ में लगा के आपको मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह से ये सिस्टम काम करता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हाँ तो दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसका ये डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि इसका ये पल्टी प्लाव का स्विच फिटिंग कर लिया है। और जैसा मैंने आपको अगले वीडियो में दिखाया था कि हमारे दोस्त का जो ट्रैक्टर है उसका जो मैनुअल प्लाव था इसी को हमने रिवर्सिबल हाइड्रोलिक पल्टी प्लाव बनाया है। जैसा कि देख सकते हैं ये वाला, इस तरह से हमने इसका ये पूरा कनेक्शन किया है। ये नॉर्मल था जो हैंडल से घुमाने वाला, जैसे मैंने आपको सोनालिका वाला वीडियो दिखाया था वही प्लाव है देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हमने इस तरह से ये बनाया है, उसका नाप वगैरह मैंने सोनालिका ट्रैक्टर का जो वीडियो है उसमें दिखाया है कि हमने इसको इसका हाइट कितना रखा हुआ है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखे, देख सकते हैं इस तरह से। तो अभी हमें इसको टेस्ट करना है और इसको बनाने वाले ये हमारे दोस्त इरफान पठान। तो अभी
हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया। और दोस्तों मेसी में एक ये है, बाकी ट्रैक्टर का तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेसी में जब हमें इसको पल्टी करवाना है ना, रिवर्सिबल जब हमें इसको पल्टी करवाना है रिवर्स फॉरवर्ड, तो जब ऑपरेशन चालू होता है ना, जैसे ही ऑपरेशन सिस्टम ने चालू किया उसी दौरान हमें ये लीवर को देना होता है, तभी ये प्रेशर बनाएगा, ये जो प्रेशर पाइप है, नहीं तो ये प्रेशर नहीं करेगा। देखो जैसे कि मैं आपको नॉर्मली उठा के दिखा दूँ, ठीक है, हमने इसको ये उठा लिया। अब यहाँ से ये लीवर को देने से इसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। अभी क्या करना है दोस्तों, जैसे हमने लीवर उठाया ये पोजीशन कंट्रोल लीवर को, और उसी दौरान देख सकते हैं तब जाके ये पलटी होगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसे पलटी होगा। अब पूरा उठ गया है, अब दबाओगे तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, जैसे हमें इसको पलटी करना है ना, जब ये ऑपरेशन शुरू है, देख सकते हैं जब उठाना शुरू होता है ना, उसी दौरान हमें ये लीवर को देना होता है इस तरह से, तब ये पलटेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो बस ये मेसी में ये होता है, बाकी दूसरे ट्रैक्टर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन ये मेसी का प्रेशर कब बनता है, जब ये ऑपरेशन सिस्टम चालू होता है, देख सकते हैं जब ये उठता है उसी दौरान हमें ये लीवर को दबाना होता है, देख सकते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से बिल्कुल काम करता है, देख सकते हैं यहाँ पे। पलटा हो तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, देखो इस तरह से ये काम नहीं करेगा। अब देखना जैसे ये लीवर को डाउन करो, ये डाउन किया, जब ये ऑपरेशन, जब लीवर हाइड्रोलिक को उठा रहा है ना, देख सकते हैं जब उठ रहा है उसी दौरान इसको पलटी करना होता है, तब जाके ये काम करेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं दोस्तों ये इस तरह से, ये पूरा इस तरह से ये पूरा पल्टी प्लाव काम करता है। तो चलो अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है, जैसे कि इसका ये थोड़ा फिनिशिंग करना है, इसको बिल्कुल हम ठीक करवा लेते हैं।